जनक वहां बैठे रहे। महल जलता रहा। यहाँ किसी को चिंता नहीं है। वहां लोग जरूर चीख रहे होंगे, लेकिन यहाँ किसी को कोई चिंता नहीं है। फिर ये चलता रहा और एक लैप ऑफ द मास्टर इवेंट है, 3 दिन चलता है। जब तक आपके पैर सुन्न नहीं हो जाते ये चलता रहता है। ये चलता रहा और एक लड़का जो आश्रम के काम करता था भागता हुआ सत्संग में आया और बोला, बंदरों के झुंड ने ब्रह्मचारियों के कपड़ों के साथ तबाही मचा रखी है। जैसे ही उस लड़के ने ये बोला, कई लोग खड़े हुए और कपड़ों को बचाने के लिए भागे। उनके कपड़े थे कैसे? कोई डिजाइनर कपड़े तो थे नहीं। हाँ, उससे डिजाइन तो किया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक लंगोट थी, कपड़े का एक टुकड़ा। उन कपड़ों को बचाने के लिए वो दौड़े और उन्होंने बंदरों को वहां से भगाया, और जितने भी कपड़े वो बचा सकते थे उन्होंने बचा लिया और फिर वापस आ गए। तो अष्टवक्र ने सत्संग जारी रखा और फिर उन्होंने कहा, यहाँ एक राजा मौजूद है जिसका महल दौलत और लोगों से भरा हुआ है। सिर्फ पैसे और कीमती सामान ही नहीं, वहाँ लोग भी हैं, वो लोग जो इनके लिए मायने रखते हैं। महल जल रहा है लेकिन उन्हें चिंता है कि कहीं सत्संग की लय न टूट जाए। दावा करते हो कि तुमने जीवन में हर चीज छोड़ दी है, कपड़े के एक टुकड़े के लिए तुम बिना कुछ सोचे समझे बाहर भाग गए, मेरी तरफ देखा भी नहीं, कपड़े के एक टुकड़े को बचाने के लिए। नहीं, हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, एक हमने पहन रखा है, एक वहाँ है, अगर बंदर उसे ले गए तो हम क्या करेंगे? तो राजा की तुलना में हम अधिक जरूरतमंद हैं। राजा अपने लिए एक और महल भी बनवा सकता है, लेकिन हम लोग, आप आदम से कुछ सीख सकते हैं, पेड़ों में आदम के बहुत सारे अंडरवेयर लटक रहे हैं। तो अष्टवक्र ने कहा, सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि ये कि आपने उसे कैसे पकड़ रखा है। अगर आपके हाथों में एक राज्य भी है तो आप उसे भी एक खास तरीके से थाम सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राज्य बाहर हो और पैसे और लोगों से मिलकर बना हो। ज्यादातर लोगों के लिए उनका राज्य उनका अपना शरीर और मन होता है। आप इसे कैसे थामते हैं? अगर आप इसे एक तरह से थामेंगे तो ये आपको दर्द और जख्म देगा। अगर आप दूसरी तरह से थामेंगे तो आप जीवन के साथ तालमेल में होंगे, क्योंकि जीवन बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप जीवन हैं। हेलो, हाँ आप हैं। उस पत्थर को देखिए जो आपके पास खड़ा है, वो कितना सरल और सहज है, आया ना? तो अगर आप जीवन नहीं होते, सब कुछ कितना सरल और सहज होता। इसीलिए लोग खुद को डुबाना चाहते हैं, शराब में या ड्रग्स में या बहुत ज्यादा खाने में या किसी और चीज में, क्योंकि किसी तरह आपने ये पता लगा लिया है कि जीवन न होना सरल और आसान है। अगर आप बहुत जीवंत न हो तो ये बहुत सरल और आसान है, आप बस कहीं एक चट्टान की तरह बैठ सकते हैं। पर जब मौत का पल आएगा तब आप जान जाएंगे कि आप जीवन हैं और कुछ और होने का नाटक कर रहे हैं, नहीं तो मौत नहीं आती, वो पल असहनीय कष्ट देगा। तो हम चाहते हैं कि आप सचेत रहें। यही वजह है कि मैं आपको लगातार याद दिला रहा हूँ कि आप एक दिन मर जाएंगे, आप एक दिन मर जाएंगे। मैं आपके लिए मौत की कामना नहीं कर रहा, बस इतना है कि मेरे सहयोग के बिना भी मौत आएगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मुझे आपकी मौत की कामना करने की जरूरत नहीं है, लगातार मृत्यु की याद दिलाने की वजह बस ये है कि आप जान जाएं कि आप जीवन हैं। आप इस चट्टान की तरह नहीं जी सकते, आप एक मशीनी प्राणी की तरह नहीं जी सकते जो चलता है, बातें करता है और वो सब कुछ करता है जो आप कर सकते हैं, लेकिन जीवित नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण वही है